emergency. There are scores of people protesting on the roads. There are Kashmiri Muslims. There are Kashmiri Sikhs. They are protesting and they are supporting us. They are standing side by side us. So, Governor Sahab, अकेले सर्कल के हम जहाँ जहाँ पे हमारे ड्यूटी से इतने टाइम से हमने अप्लाई किया कि हमें स्किल पोस्टिंग दीजिए, स्किल पोस्टिंग नहीं दे पाते, वो क्या हमें स्किल ऐसे प्लेस पे जगह देंगे? क्या कर रहे हैं वो हमें मारने के लिए? सब हर जगह पॉलिटिक्स खेल खेल के इन्होंने हमारी जिंदगी, हमारे खून को ना बिल्कुल पानी बना दी है। आप जानते हैं कि पहले भी जब सतिंदर कौर और दीपक चंद को मार दिया था, उस वक्त हमारे कश्मीरी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब निकले थे, उन्होंने कितना मास प्रोटेस्ट किया था। आप जानते हैं उस वक्त उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था हमें 5 दिन का टाइम दे रहे हैं, हम सब सेट कर रहे हैं। कहाँ है? तो क्या कागजों में ही करते रहेंगे? ऑन ग्राउंड तो कहीं भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर, सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट, कश्मीरी पंडित शॉट डेड। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। अस्करियत पसंदों ने जुमेरात की शाम वुस्ता कश्मीर के बुड़गाम में एक शहरी को गोली मारकर हलाक कर दिया, जिसका ताल्लुक अखिलती कश्मीरी पंडित बरादरी से था। पुलिस के मुताबिक राहुल भट्ट 35 साल, जो बड़गाम के चाडोरा में तहसीलदार दफ्तर में मुलाजिम था, दफ्तर के इहाते के अंदर था जब कम से कम 2 बंदूक बरादरों ने खरीब से फायरिंग कर दी। जम्मू अस्करियत पसंदों के जरिए राहुल भट्ट की हलाकत के खिलाफ एहतजाज करते हुए उनकी कश्मीरी पंडित बरादरी के अरकान ने जुमे को जम्मू एंड कश्मीर इंतजामिया और बीजेपी लीडरों पर अपना गुस्सा निकाला। ये इल्जाम लगाया कि वो वादी में अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने में नाकाम रहे हैं। बीजेपी रहनुमाओं को जम्मू के भट्ट के घर पर सोगवारों के गुस्से का सामना करना पड़ा। कश्मीरी पंडित सरकारी मुलाजिम, जिसे जुमेरात को बुड़गाम के चाडोरा इलाके में अस्करियत पसंदों ने अपने दफ्तर के अंदर गोली मारकर हलाक कर दिया था। सरकारी मुलाजमीन और कश्मीरी पंडितों के अहल खाना ने राहुल भट्ट की टारगेट किलिंग के खिलाफ जुमे को जम्मू एंड कश्मीर के बुड़गाम जिले में एलजी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एक कश्मीरी पंडित सरकारी मुलाजिम राहुल भट्ट को जुमेरात को चाडोरा कस्बे में तहसील दफ्तर के अंदर दहशतगर्दों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। उसे साल 2010 और 11 में मुहाजिरीन के लिए खसूसी रोजगार पैकेज के तहत क्लर्क की नौकरी मिली थी। मुबैना तौर पर एहतजाजी मुकाम पर बनाई गई एक वीडियो में पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेते हुए दिखाया गया है, क्योंकि जुमे को हुक्काम और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई। यूनियन टेरिटरी में कश्मीरी पंडितों की हालिया हलाकतों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे के दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन को बुड़गाम में एयरपोर्ट रोड की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे। कश्मीरी पंडितों की हमदर्दी का दम भरने वाली बीजेपी का अब असली चेहरा सामने आ रहा है। एक कश्मीरी पंडित की मौत पर पुरअमन एहतजाज करने वाले दिगर कश्मीरी पंडितों पर पुलिस का लाठीचार्ज करना और आंसू गैस कश्मीरी पंडितों पर दागे जाना, ये कहाँ की हमदर्दी है और ये कहाँ की मोहब्बत है? और सब जानते हैं कि अब वहां पर किसकी हुकूमत है। इसी के चलते अब बीजेपी से नाराज कश्मीरी पंडित अपनी नौकरियों से, जो सरकार ने उनको दी थी, अब इस्तीफा देकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। Do not take the necessary steps for the security and safety of the all the employees who are working, migrant employees who are working across the Kashmir Valley, then we will be forced to leave our jobs
एंड इफ दिस इज द ड्रीम ऑफ नया कश्मीर बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी देन वी आर रियली सॉरी फॉर दैट दिस इज द ग्राउंड सिचुएशन वी आर वर्किंग हियर यू कैन सी देयर आर स्कोर्स ऑफ पीपल प्रोटेस्टिंग ऑन द रोड्स देयर आर कश्मीरी मुस्लिम्स देयर आर कश्मीरी सिख्स दे आर प्रोटेस्टिंग एंड दे आर सपोर्टिंग अस दे आर स्टैंडिंग साइड बाय साइड अस सो वी रियली We are thankful to our Kashmiri Muslim brothers and we request UT administration to look into the matter and ensure our safety and security. We want justice. इन सब बातों से अब गोदी मीडिया को तकलीफ हो रही होगी क्योंकि कल तक वो बीजेपी से कश्मीरी पंडितों का दोस्ताना सलूक पर ढोल पीटते थे और आज उस ढोल की पोल खुल गई है तो अब गोदी मीडिया इस न्यूज को दिखाने पे आगे नहीं आएगा। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।